already explained you what exactly the life cycle of animals. There are two types, who gave birth and who lays eggs. So here are particularly, this video is all about the life cycle of butterfly. So how exactly the butterfly grows, how it becomes adult butterfly, egg to the adult butterfly. So first it lays eggs. After that it becomes caterpillar. After that it becomes pupa. After that it, last one is the adult butterfly. So just let's look into the deep explanation of the life cycle of butterfly. A butterfly lays eggs on the leaves of a plant. बटरफ्लाई क्या करता है, पहले आके प्लांट पे जो लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, उन पे आके एग दे देता है. दीज एग्स हैच एंड यंग वंस कॉल्ड कैटरपिलर्स. वो एग्स क्या होते हैं, हैच हो जाते हैं, एक शेल ब्रेक हो जाता है और उससे बाहर क्या आता है, कैटरपिलर. यूजुअली हम लोग के घर में भी जो गार्डनिंग होती है वो हम लोग पत्तों पे देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे ग्रीन कलर के जो कैटरपिलर्स हम लोग को दिखते हैं, those all are the caterpillars who are going to be adult butterfly. Okay, they first feeds eggshell. जैसे ही वो बाहर आ जाते हैं तो उनको कुछ खाने को नहीं होता, तो जो eggshell है, जो egg में वो रहते हैं, वो जैसे ही टूट जाता है तो वो पहले बाहर आके क्या खाते हैं, वो eggshell जो उसका कवर होता है egg का, वही पहले खा जाते हैं. The caterpillar it then starts feeding टू ग्रो, और फिर उसके बाद वो पत्ते खाने लग जाते हैं और वो फिर स्लोली बड़े हो जाते हैं. द कैटरपिलर शेड्स इट्स स्किन सेवरल टाइम्स सो दैट इट कैन ग्रो. क्या होता है, उसकी जो स्किन होती है वो सेवरल टाइम्स उसकी चेंज होती रहती है क्योंकि वो ग्रो होता रहता है. जैसे हम लोग पहले छोटे थे, हमारी हाइट बढ़ती है, वैसे हम लोग के कलर्स एंड ऑल हम लोग में चेंजेस आ जाते हैं. वैसे ही सेम कैटरपिलर के साथ भी होता है. बाद में वंस द कैटरपिलर इज बिग इनफ इट स्टॉप्स ईटिंग. मतलब क्या, जैसे ही वो बड़ा हो जाता है वो खाना बंद कर देता है. वो पत्ते खाता है पहले, फिर थोड़ा बड़ा हो जाता है. जैसे वो बड़ा हो जाता है इट बिकम्स ही स्टॉप्स टू ईटिंग एनीथिंग. एंड फिर उसके बाद क्या होता है, इट देन फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड हिमसेल्फ. मतलब क्या करता है कैटरपिलर, खुद के जो कैटरपिलर होता है खुद को एक लेयर बना लेता है और वो लेयर बनाने के बाद ना वो ऐसे हो जाता है झाड़ में, खुद को ही बंद कर देता है. उसके बाद दिस स्टेज इज कॉल्ड क्राइसिस. क्या बोलते हैं, क्राइसिस क्या बोलते हैं इसको, ये लेयर जो ये होता है इस स्टेज को बोलते हैं क्राइसिस. क्या बोलते हैं, क्राइसिस. ठीक है, इन दिस स्टेज कैटरपिलर इज नाउ कॉल्ड पूपा. अब एक कैटरपिलर हो गया, कैटरपिलर के बाद जैसे वो खुद को लेयर बना लेता है वो स्टेज में, उसको क्या बोलते हैं कैटरपिलर, व्हाट इज कॉल्ड कैटरपिलर, पूपा. आफ्टर दैट द पूपा रिमेन्स मोशनलेस इन क्राइसिलिस. उसके अंदर वो क्या करता है, मोशनलेस होता है. मतलब वो हिलता नहीं है, वो मोशनलेस होता है क्योंकि उसकी ग्रोथ हो रही होती है. इनसाइड द क्राइसिस द पूपा अंडरगोज अ सीरीज ऑफ चेंजेस. वो क्या होता है, उसमें जो चेंजेस आते हैं वो अंडरगोज इट टू द चेंजेस ऑफ द सीरीज. आफ्टर अबाउट 12 to 15 डेज अ ब्यूटीफुल एडल्ट बटरफ्लाई इमर्जेस आउट ऑफ द क्राइसिस. मतलब क्या होता है, इसके बाद जो आफ्टर 12 to 15 डेज इसके अंदर रहने के बाद वो यहाँ आ जाता है और उसमें 12 to 15 डेज के बाद बटरफ्लाई बाहर आता है, एक एडल्ट बटरफ्लाई उससे बाहर आता है. क्या होता है, एडल्ट बटरफ्लाई उससे बाहर आ जाता है. व्हेन द बटरफ्लाई कम्स आउट इट विंग्स आर स्मॉल एंड वेट. जैसे ही वो बॉर्न होता है, वो बाहर आ जाता है पुपा से, तो उसके जो विंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, गीले होते हैं, वीक होते हैं, वो छोटे से होते हैं. द बटरफ्लाई पम्प्स फ्लूइड. वो क्या करता है, बाहर एक फ्लूइड निकालता है और उससे जो उसके विंग्स होते हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं. एंड द बटरफ्लाई आफ्टर फ्यू आवर्स द विंग्स बिकम स्ट्रांग इनफ एंड बटरफ्लाई इज एबल टू फ्लाई. फिर उसके बाद क्या होता है, बटरफ्लाई उड़ने के लिए रेडी हो जाता है. चलो हम लोग रिपीट करते हैं. सबसे पहले
बटरफ्लाई क्या करता है, पत्तों पे आता है और आके क्या करता है, अंडे देता है, लेज एग। आफ्टर दैट उसका क्या होता है, आफ्टर ब्रेकिंग शेल वो क्या करता है, बटरफ्लाई एग्स का क्या हो जाता है, कैटरपिलर बन जाता है। कैटरपिलर के बाद वो क्या करता है, बहुत पहले ही आके वो अपना शेल ही खा जाता है, फिर उसके बाद वो पत्तों को खा जाता है और ऐसे ही थोड़े दिन बाद वो क्या हो जाता है, उसको खुद के ऊपर वो लेयर बना लेता है और जैसे ही लेयर बना लेता है तो वो पुपा बन जाता है, ठीक है। और उस स्टेज को क्या बोलते हैं, क्राइसिलिस, क्या बोलते हैं, क्राइसिलिस। और उसके बाद 12 to 15 डेज वो ले लेता है, अंदर ही वो मोशनलेस रहता है और 12 to 15 डेज के बाद वो एडल्ट बटरफ्लाई इससे बाहर आ जाता है। और जैसे ही बाहर आ जाता है तो वो वीक होता है, उसके विंग्स छोटे होते हैं और उसको थोड़े टाइम लगता है, फिर वो फ्लूइड कर देता है अपना अंदर का जो फ्लूइड वो पंप कर देता है, उसके वजह से जो उसके विंग्स होते हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं और वो क्या कर सकता है, उड़ सकता है। सो एज वी ऑल नो द हाउ लुक्स बटरफ्लाई, दे आर वेरी ब्यूटीफुल। और फिर वही एडल्ट बटरफ्लाई किसी और पत्ते पे जाता है, फिर से एग देता है। तो दिस साइकिल इज गोज ऑन, इट नेवर स्टॉप। दिस साइकिल इज ऑलवेज गोज ऑन। जैसे पहले एग देगा, ये बनेगा, कैटरपिलर बनेगा, पुपा बनेगा, एडल्ट बटरफ्लाई बनेगा, फिर वो एग देगा। तो I think we are clear with the life cycle of the butterfly. So this video is all about this. So thank you.